सो फाइनली गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हाउस है वो फाइनली चेंज हो चुका है एंड ये काफी ज्यादा पिछले वाले हाउस से भरा भी है एंड इससे काफी ज्यादा स्टाइलिश भी है। क्या आप लोग भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में अपने हाउस को चेंज करना चाहते हैं? यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस फाइन एंड वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। यस गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली अपने हाउस को चेंज करने वाले हैं बिकॉज मैं तो काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ एक ही हाउस में बार बार प्ले आउट कर करके एंड आई होप सो कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग अपने हाउस को चेंज करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा बिकॉज बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को स्किप करके देखते हैं। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे देन आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आएगी, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में आके पूछ रहे होंगे। सो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के एंड वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आगे बेल आइकन होगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गाइस ये वाला हमारा ओल्ड हाउस है, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप लोग डेली बेसिस पे प्ले करते हैं, आप लोगों ने इस हाउस को बहुत बार चेकआउट किया होगा। आज हम इसी हाउस को चेंज करने वाले हैं एंड यहाँ पर एक न्यू हाउस शिफ्ट करने वाले हैं। यस गाइस यहाँ पर हमारा जो हाउस है वो चेंज हो जाएगा एंड हमारा न्यू हाउस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को छत पे भी जाके दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों को जाना नहीं आता। सो आप लोग जैसे ही यहाँ पे बाथरूम में आके यहाँ पे ऊपर जंप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम छत पे आ चुके हैं। इसका छत का कुछ इंटरफेस यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड चलिए गाइस अब जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, अब जल्दी से इस हाउस को हम लोग कर लेते हैं चेंज। सो गाइस यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ एंड इस हाउस को चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक मिशन, जैसे कि मुझे पता चला है। तो मिशन करने के लिए हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं मिशन हाउस में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपली बाइक पे बैठ के हेलमेट पहन लेता हूँ बिकॉज सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। चलिए गाइस हम लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन हाउस की तरफ जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहने वाला, यहाँ से पास ही है। यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग राइट टर्न ले लेते हैं। राइट टर्न लेने के बाद बस यहीं पे थोड़ा सा दूर है हमारा, ये वाला है हमारा मिशन हाउस। तो जल्दी से यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाइक को पार्क एंड देन जल्दी से हेलमेट को उतार देता हूँ। सो गाइस जल्दी से यहाँ पर हम लोग पहुंच जाते हैं। नाउ हमारे पास जो मिशन हाउस है उस पे एंट्री का बटन अवेलेबल हो चुका है एंड जल्दी से मैं मिशन लेके आ जाता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमें मिशन मिल चुका है एंड यहाँ पे ऊपर टॉप पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं 4 डिफरेंट कार्स को हमें कलेक्ट करना है फ्रॉम ट्रैफिक से, यानी कि रोड से हमें 4 डिफरेंट कार्स को कलेक्ट करना होगा। शॉर्ट टाइम हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड हमें शॉर्ट से टाइम में यहाँ पे 4 कार्स को डिफरेंट 4 कार्स को कलेक्ट करना है फ्रॉम ट्रैफिक से। सो अब जल्दी से मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ अपने हाउस के पास क्योंकि हाउस के पास ये मेन लोकेशन है, वहीं पे हमें कार्स को कलेक्ट करना है। एंड ये मिशन कितना ज्यादा इजी लग रहा है उतना ज्यादा इजी नहीं रहने वाला बिकॉज 4 डिफरेंट कार्स को वो भी एट अ टाइम अगर ट्रैफिक से कलेक्ट करना हो तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हाउस के पास मूव ऑन हो जाता हूँ। ओके गाइस, सो आफ्टर सम टाइम फाइंडिंग करने के बाद हमारे पास एक बकरा आ चुका है। सबसे पहले तो मैं इसकी कार को चुराने वाला हूँ, यहाँ से इससे छीनने वाला हूँ। ओके यहाँ पे इसको सबसे पहले रोकते हैं। अब ये भागने की बहुत ट्राई कर रहा है बट मैंने इसे भागने नहीं देना क्योंकि ये भाग गया तो मेरा एक बकरा यहाँ पे जाया हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट वाला बकरा ही जाया हो जाए। कहाँ जा रहा है यार, तो रुक जा यार, 2 मिनट तो सफर कर। चल अभी तू बाहर बैठ, मैं जरा तेरी कार को यहाँ पे जरा पार्क कर गया। तो अभी फिलहाल ये वाली कार हमारे हाथ लग गई है, यहाँ पे हम सिंपली इसको यहाँ पे जाके हमारे हाउस के पास पार्क कर देते हैं। ओके ये वाली लोकेशन है, हमें यहाँ पे सिंपली कार्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक कार हमारी जो फाइनल है वो कलेक्ट हो चुकी है। चलो गाइस अब इस कार को यहीं पे रहने देते हैं, सेकंड कार की तरफ बढ़ते हैं। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर देन गाइस मुझे सेकंड वाली कार भी मिल जाती है। मैंने यहाँ पे रॉयल्स रॉयस ब्रोक करने के लिए लगा दिया था, रोड को मैंने ब्लॉक कर दिया था रॉयल्स रॉयस से ताकि कोई भी कार भागने की ट्राई ना करे। ये वाली कार भागने की ट्राई कर रही थी तो इसने आगे सीधा रॉयल्स रॉयस ने इसे रोक दिया। तो अब जल्दी से मैं इस कार को भी यहाँ पे फर्स्ट वाली कार के साथ ही पार्क कर देता हूँ एंड देन थर्ड वाली कार की तरफ निकल जाते हैं। आई थिंक गाइस बैक साइड पे यहाँ पे कोई और भी कार आ रही थी बट तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ओ नो यार, कोई कार नहीं आई अभी तक। एंड आफ्टर फ्यू टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे फाइनली एक और बकरा आ चुका है एंड इसकी कार को मैं पीछे से ही ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था बट इसने रोकी नहीं। सो अब इसे रोक लेते हैं, इसे बाहर निकाल मारते हैं एंड जल्दी से इसकी कार को भी वहाँ पे बाकी दोनों कार्स के साथ पार्क कर देते हैं। एंड गाइस इस तरह करते कराते हमारे पास फाइनली 3 कार्स तो कलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें फाइनली एक और मोर कार चाहिए, इसके बाद हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक दैट बस टाइम अप होने से पहले पहले हमें एक और कार को कलेक्ट करना है जो इनसे डिफरेंट होनी चाहिए। सो फाइनली गाइस जब मैं पीछे मुंह करके देखता हूँ यहाँ पर एक न्यू ऑडी आ रही है तो इसको हम ब्लॉक करने की ट्राई करते हैं बट ये भी भागने की ट्राई कर रहा था बट रॉयल्स रॉयस ने इसे रोक लिया। तो जल्दी से इसको बाहर निकाल देते हैं, इस कार को भी जल्दी से वहाँ पे बाकी सब कार्स के साथ पार्क कर देते हैं ताकि हमारा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। टाइम मेरे पास ना होने के बराबर है तो जल्दी से इसको पार्क कर देते हैं एंड फाइनली मैंने पार्क कर दी एंड नाउ फाइनली गाइस हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड वेट गाइस ये पता नहीं क्या होने लग पा रहा है, अरे ये क्या गाइस, ये चेक आउट कर सकते हैं आप लोग। गाइस हमारा जो हाउस है वो फाइनली चेंज हो चुका है, हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद हाउस यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला हाउस पीछे वाले हाउस से काफी ज्यादा बिग लग रहा है एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश भी एंड मॉडर्न लुक भी है इसकी। गाइस ये काफी ज्यादा बड़ा हाउस है एंड लेवल का लग रहा है, लेवल की लोकेशन पे आया है। जल्दी से मैं इसके अंदर भी विजिट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लेवल की यहाँ पे बाइक भी पार्क हुई है। ये बाइक भी आपसे अपनी हुई है, अपनी बाइक है यार,
जब हाउस अपना है तो बाइक भी अपनी है। रियलिटी में गाइस ये वाला हाउस मुझे पीछे वाले हाउस से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक भी है इसको। होप करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अभी आप लोग यहां पे हाउस की लोकेशन वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं, यहां पे हाउस को विजिट वगैरह जो मैं कर रहा हूं इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये टेनिस वगैरह है एंड इसे ऊपर भी आई थिंक पोर्शन है और आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।